श्याम प्यारे की जय। बोलिए लक्ष्मीदातार की जय। और आज की विशेषता यह है, श्याम दरबार के साथ साथ बाबा बासुकीनाथ सुप्रीम कोर्ट दरबार विराजमान है दरबार में। और जैसा कि हमेशा श्री श्याम मंडल नूतन बाजार के तत्वाधान में जब भी बाबा का कीर्तन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि श्रृंगार ऐसा होता है कि आदमी देखता ही रह जाता है। सब मिलकर बोले, देखो प्रेमियों, मुझे आनंद तभी आता जब आप गाओ और मैं आपका कोरस करूं। अगर खुद गाना होता है और ऐसा लगता है कि मुझे ही गाना है तो लगता ही नहीं कि कीर्तन में गए। लेकिन जिस कीर्तन के अंदर में प्रेमी गाते हैं और हमें थोड़ा सा सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी होती है, वहां लगता कि आज बाबा ने सुन लिया सारे की जय। और बाबा उसी को सुनता है जो सुनाता है, जो चुपचाप बैठकर सिर्फ देखता है। बाबा उसको देखकर तो विदा करता है लेकिन उसकी तरफ देखता नहीं है, देखता उसी की तरफ है जो उसकी जो उसको अपनी कहानी सुनाता है। आइए प्रेम सब मिलकर बोले मेरे सर। मैं हूं तुम्हारा तुम हो हमारे। बोली मैं हूं तुम्हारा तुम हो हमारे। तुम सान प्यारा कोई तुम सान प्यारा कोई है प्राण प्यारे तुम सान प्यारा
ढोलक तबले से जोर आवाज आनी चाहिए, बाबा के कानों में सिर्फ पड़ जाना चाहिए, बाबा मैं तुम्हारा तुम हमारे बन जाएगा, कोई बने ना बने बाबा बन जाएगा, उठा लो हाथ से उठा लो और एक बार जोर से आवाज में बोलना, ¡Gracias!
इसलिए नहीं दौड़ रही थी, वो खाटू आ रही थी। उनकी गाड़ी इसलिए दौड़ रही थी, खाटू आने के बाद वो बाबा के दरबार में बैठ कर बाबा को सुना रहे हैं।
नहीं तो पुकार, किसका ध्यान कीर्तन में था, जिसका ध्यान कीर्तन में था, दो लाइन याद हो गई होगी। जहां भी बैठे हैं खड़े हाथ उठा लेना, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी पंचायत की हर दीवार से आवाज आनी चाहिए। क्या मामले में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानता। मैंने भगत जी का अखाड़ा नहीं देखा, बहुत देर से दरबार ज्वाइन कर पाया, लेकिन सुना बहुत अखाड़े के बारे में कि वो सिर्फ एक शब्द कहते थे, बाकी बैठे भक्त गाते थे, और जो भी बैठे होते थे सुनने मात्र से उनका काम बन जाता था। और उन्होंने कहा कि भजन नहीं महामंत्र है, कान में पड़ जाएंगे तो काम बन जाएगा। कसम से जब आप गाते हो ना तो ये नहीं लगता कि कीर्तन हो रहा है, बल्कि ये लगता है कि श्याम प्रभु का महामंत्र का जाप हो रहा है। आपको शायद नहीं पता, जब आप बैठकर भजन गाते हो, तालियां बजाते हो, तो आपके तालियों से न जाने कितने बगल में बैठे हुए लोगों को आधे काम जो अधूरे छूट जाते हैं वो बन जाते हैं। आपके कारण अगर किसी एक का भी भला हो गया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया, पार हो गया। आइए एक भजन और जो कि मुझे बहुत प्यारा है, हालांकि बहुत कम गाया इसको, लेकिन जहां ऐसा लगा कि भक्त वही अखाड़े वाले हैं वहां ये भजन गाया। निवेदन करूंगा कि आप गाना, मैं नहीं गाऊंगा। श्याम आइए
उसके सामने बैठकर चुपचाप बैठ जाओगे तो थोड़ी डॉक्टर को पता चलेगा कि बीमारी क्या है। पांव दुखेंगे, आह वो करोगे तभी तो ये बोलेगा कि काम बनाना है। क्या करने आए हो यहां पर, बोलो क्या करने आए हो? स्टेटस बनाने के लिए मत कहना, बहुतों का बनाया लेकिन उसके बाद उसको ये भूल गया। स्टेटस तो बन गया लेकिन इससे दूर हो गया। स्टेटस के लिए मत कहना, यहां आकर सिर्फ बाबा के मंदिर में खड़े होकर इतना ही कह देना, दयालु तुम्हारे दया चाहता चाहता हूँ।
उसको सब कुछ मिला है घर से।
और साचा दरबार की भैया भैया एक बासीनाथ का अरे एक भजन तो मैं सुना रहा हूँ नहीं देखिए आज मैंने फिर मुस्तानी की है। मैं श्याम जगत में जिनको सुरों के मामले में बहुत बड़ा साधक मानता हूँ प्रवेश भैया दरबार में बैठे उनके सामने में मुझे गाना पड़ा आज मेरी मजबूरी है नहीं तो मैंने कभी भी कोई भी अगर श्याम का प्रेमी भजन प्रवाह बैठा होता है मैं हिम्मत नहीं करता कि मैं उनके सामने गाऊं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य नहीं है लेकिन आज मेरी मजबूरी है इसलिए ये गुस्ताखी मैंने की है। आइए चार लाइन मोनू भैया के लिए और उसके बाद एक भजन मेरे बाबा बास के साथ इसके पहले मैं कुछ कहना चाहूं ये बातें मुझे सिर्फ दो शब्द कहना और उनको भैया हेलो ये बातें सिर्फ उनको कहना जो यंग है नौजवान है जो नए नए खाटू आ रहे हैं उनसे जो पुराने हैं जो बड़े हैं मुझसे उनको कहने की मेरी औकात नहीं ये मेरा फर्ज बनता है कि मेरे से जो छोटी उम्र के लोग हैं प्रेमी हैं जो नए आ रहे हैं वो कम से कम भटक ना जाए प्रेमियों एक ही निवेदन करूंगा एक कैमरे का सदुपयोग किया करो ये मोबाइल का सदुपयोग किया करो दुरुपयोग मत किया करो इंटरनेट व्हाट्सएप फेसबुक इसका सदुपयोग किया करो प्रेमियों इसका दुरुपयोग मत किया करो आपकी लिखी एक लाइन से अगर कोई एक श्याम भक्त पैदा हो गया तो श्याम आपका गुलाम बन जाता है। और अगर आपकी लिखी किसी एक लाइन से कोई श्याम भक्त अगर दरबार से दूर हो गया उस दिन मेरे श्याम की आंखों से आंसू निकल गए। मैं समझता हूं इतना काफी है। कई लोग लिख लेते हैं बहुत लिखते हैं उनकी गाड़ी खूब चल रही होती है और वो समझते हैं कि मेरी गाड़ी तो चल रही है मैं अच्छा कर रहा हूं। अरे पगले तेरी गाड़ी इसलिए चल रही है कि तेरे बैंक में बैलेंस है और तेरे पास चेकबुक दे रखी है। जब तक बैलेंस है काटे जाओ चेक काटे जाओ जिस दिन चेकबुक खत्म हो जाएगी उस दिन पता चल जाएगा कि आपने गलती की। ये मैंने सिर्फ मेरे छोटे भाइयों के जो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं जो नया नया आना शुरू किए जिन पर कृपा हुई प्रवेश भैया जिनको बाबा ने बुलाना शुरू कर दिया वो भटक न जाए है ना प्लीज। आज के बाद अगर सचमुच में दरबार को मानते हो अगर बाबा को मानते हो तो आज इस पंचवटी में पंचवटी कह दिया पंचवटी दरबार लगता है आज इस पंचायती धर्मशाला में अपनी आत्मा पर हाथ रखकर कह देना आज के बाद हम अच्छी बातों के अलावा कुछ नहीं करेंगे। फैसला करने का अधिकार बाबा पर छोड़ दो खुद फैसला मत किया करो प्रेमी। जिस दिन खुद न्याय करने लग जाओगे ना तुम्हारा न्याय करने की जब बारी आएगी ना बाबा देखेगा नहीं वो बोलेगा ये तो खुद फैसला दुनिया का करता आया था चाहिए अपना फैसला भी खुद कर ले। बोल श्याम आइए मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो क्षमा चाहता हूं। आइए हालांकि पप्पू भैया का भजन है अभी वो बैठे थे कहीं गए पप्पू भैया अगर कोई आवाज सुन रहे हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मोनू भैया ने कहा इसलिए दो लाइनें गा रहा हूँ आइए सब मिलकर गाइएगा क्योंकि इस भजन की जो लाइन है ना
वो हर श्याम प्रेमी की जिंदगी के ऊपर आधारित है। आइए सब मिलकर बोलो इमेज Oh, God.
बोले सांचे, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले। बाबा ये तो चमन्नी है, हम जो खड़े हैं आपके सामने चमन्नी है जो कहीं नहीं चलती। अगर एक भूखा पेट आदमी जो 10 दिनों से भूखा हो, सिर्फ 5 रुपये में उसका पेट भर जाए, लेकिन उसके सामने 500 चमन्नी रखी है, 125 रुपये, 5 रुपए में पेट भर जाएगा, लेकिन 500 चमन्नी 125 रुपए रखे हैं, लेकिन वो उसकी तरफ देखता नहीं क्योंकि वो चलती नहीं। लेकिन वो एक चमन्नी, सिर्फ एक चमन्नी, 1 रुपया जोड़ दो साथ में, 125 रुपया की अरदास लगा दो, करोड़ों अरबों खरबों का काम बन जाएगा। जो कहीं नहीं चलता बाबा, वो 1,00,000% तेरे दरबार में चल जाता है। बोले सांचे दरबार आई, बस 4 लाइनें बाबा भोलेनाथ के लिए। यहां पर 99% हाथ कलकत्ता वालों में उठेंगे, लेकिन जो कभी नहीं गया वासुकीनाथ दरबार, झारखंड में बैद्यनाथ धाम देवघर से 50 किलोमीटर दूर, 40-50 के बीच में एक ऐसा दरबार जहां पर भी मनोकामना पूर्ण होती है, सुप्रीम कोर्ट दरबार कहते हैं इसे। इसलिए आइए मिलकर Oh,
Thank you.